पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सख्त तेवरों में नजर आए। सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का करनाल दौरा तय था। उनके कई कार्यक्रम रखे गए थे, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री आईडी स्वामी के औचक निधन के बाद उनके आधिकारिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, लिहाजा उन्होंने कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत भी की। लेकिन वह अचानक आज लघु सचिवालय स्थित तहसील कार्यालय ओ में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। इससे पहले भी प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने नगर निगम के कार्यालय में छापा मारा था। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल अचानक तहसील परिसर में पहुंच गए। सीएम ने देखा कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने कार्यालयों में मौजूद थे। इनके साथ जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि तहसील में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आम लोगों ने अधिकारियों की शिकायत तक की। लोगों ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री से कहा कि रजिस्ट्री के लिए अधिकारी कई चक्कर लगवाते हैं, उन्हें टोकन नहीं दिया जाता, रजिस्ट्री करवाने की अर्ज में उनसे पैसे मांगे जाते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल रजिस्ट्री क्लर्क के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि जो रजिस्ट्री पिछले 27 नवंबर को होनी थी वह रजिस्ट्री क्लर्क के पास पड़ी हुई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री लघु सचिवालय में मौजूद उन खिड़कियों पर पहुंचे जहां लोग लाइन लगाकर अपने काम के लिए खड़े हुए थे। यहां भी लोगों ने अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री से की। काफी देर तक जांच करते रहे मुख्यमंत्री ने तहसीलदार रविंद्र मलिक, नायब तहसीलदार हवा सिंह, रजिस्ट्री क्लर्क राजवीर और एक पटवारी को सस्पेंड कर दिया। पिछले दिनों गृह मंत्री अनिल विज ने भी नगर निगम में छापा मारा था, जिसमें उन्होंने कई कर्मियों को सस्पेंड तक कर दिया था, लेकिन दो कर्मियों के ही सस्पेंड के लेटर विभाग को मिले हैं। यह सार्वजनिक है कि तहसीलदारों पर हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं। बिना लेने देने की ये रजिस्टर कर पाना तहसीलदारों के लिए संभव नहीं हो पाता। भ्रष्टाचार का यह नंगा खेल तहसील में आज भी जारी है। लघु सचिवालय में मौजूद अपर अधिकारी भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उसके कोई कार्यवाही नहीं की जाती। लेकिन मुख्यमंत्री की इस कार्यवाही से अधिकारियों में हड़कंप जरूर मचा है। देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री के इस छापे के बाद लघु सचिवालय में बैठे अधिकारियों में बदलाव आता है या नहीं। यह भी देखना होगा कि सीएम का यह डर कितने दिन तक कायम रहेगा। देखने वाली बात यह भी होगी कि सस्पेंड किए गए बड़े अधिकारी यहां से बदलकर अन्य स्थानों पर भेजे जाएंगे या फिर कुछ दिनों के बाद सेटिंग बिठाकर यहीं वापस लौट आएंगे। इस मामले पर समाचार एक्सप्रेस की नजर जरूर रहेगी। देखिए इस मामले में सीएम ने आज किस तरह से छापा मारा और उन्होंने मीडिया से क्या कहा, देखिए यह खास रिपोर्ट। अपने ढंग से लोगों को परेशान करते थे और कहीं कहीं पैसे लेने की भी इनकी शिकायत मिली थी। अचानक औचक निरीक्षण मैंने किया, उसको अपने आँखों से देखा, अपने सामने आप लोगों के सामने मैंने जब उसको चेक किया तो एक रजिस्ट्री तो 27 नवंबर की, वो भी रजिस्ट्रेशन क्लर्क के पास पड़ी है और उसके जिम्मेवार तहसीलदार भी है, नायब तहसीलदार भी है, रजिस्ट्रेशन क्लर्क भी है। एक व्यक्ति लगातार 9 दिन से अपने पटवारी को ढूंढ रहा है। तो इस प्रकार के हालात को देखते हुए वास्तव में एक जो काम मैंने आज किया है उसमें सबको मैसेज आएगा पूरे प्रदेश में। अभी बर्दाश्त नहीं होगा कि इस प्रकार लोगों को परेशान करेंगे। रजिस्ट्री का नियम है सेम डे रजिस्ट्री हो उसके बाद शाम तक वो डिलीवर होनी चाहिए। इसलिए आज तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्रेशन क्लर्क और एक पटवारी, इन चार लोगों को सस्पेंड किया है। इनको भ्रष्टाचार शुरू से चलता आया, खुलेआम चलता रहा है और आज जानकारी मिली है कि बीजेपी के पार्षद से कोई पैसे मांगे गए थे रजिस्ट्री के, उसके बाद आपने छापेमार कार्रवाई की। देखिए ऐसा नहीं है, ई रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम हमने कई वर्ष पहले किया था, बहुत चीज़ें ठीक हो गई थी। फिर भी जो छोटी छोटी चीज़ें अभी जो पेंडिंग रह जाती हैं उसकी शिकायतें जहाँ मिलती हैं वहीं हम एक्शन करते हैं। इससे पहले भी गुड़गांव के अंदर भी हमने एक तहसीलदार को सस्पेंड किया था। आज जब यहाँ की जानकारी मिली है, केवल हमारे पार्षद की मिली ऐसी नहीं, जनरल पब्लिक के भी दो तीन लोग मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे कहा कि इस प्रकार की गड़बड़े हैं, इसलिए आज एक्शन लिया। तहसीलदारों का ये रहता है कि सरकारी जितने भी जैसे खर्चे रहते हैं, दूसरी कोई प्रोग्राम रहते हैं, पोलिटिकल प्रोग्राम रहते हैं, तहसीलों के ऊपर जो है इस तरह का तहसीलदार के ऊपर खर्चा होता है, ये एकदम गलत है। जब मैं शुरू में मुख्यमंत्री बना था तो सोनीपत जिले का ललहाड़ी कौन सा है रास्ते में एक रेस्ट हाउस, लड़सोली रेस्ट हाउस में मैं गया और मुझे वहाँ जब चाय दी गई और बिस्कुट खिलाया गया तो मैंने पूछा ये कहाँ से आता है, तो वहाँ के पीएन ने बताया कि तहसीलदार साहब इसका इंतजाम करते हैं। तुरंत मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, इनको कितना पैसा देते हैं, उनका नहीं देते, हमने कहा तुरंत इनको हर जिले को और जो इसका पैसा होता है इसकी
चाय पानी का जो खर्च होता है, रेस्ट हाउस में जितना भी है, उस सारे के लिए उसी वर्ष 2 लाख रुपया साल का डीसी ऑफिस को मैंने मंजूर करवाया। क्यों डी साहब? सर बिल्कुल आया हुआ है। 2 लाख रुपया साल का आता है इस काम के लिए। होता है कि भूखे वगैरह के जितने खर्चे होते हैं, कोई खर्च किसी को नहीं करना, और सब तहसीलदारों को मैं मना करूंगा इसी प्रकार का। कोई खर्च कोई मांगता है, बड़ा अधिकारी भी कहता है उनको मना करें कि मुख्यमंत्री का आदेश है, किसी तहसीलदार को कोई 1% लिया जाता है, वो कहते हैं तहसील खर्चा है। मैं कहता हूं जो है ये इलीगल है, जो कोई करे आप मुझे बताओ, तुरंत उसको एक्शन लेंगे, बर्खास्त करेंगे। जी के बाद डिस्ट्री जो है वो हरियाणा सरकार के निर्देश है कि नहीं होगी, सारे बंद करें, लेकिन यहां 7-7 बजे तक 8-8 बजे तक जो टोकन दिए गए हैं 90, वो लगातार प्रातःकाल ऑफिस टाइम के बाद सायंकाल लगातार रजिस्ट्री कराई जाएगी। उसमें बीच में खंड अगर पड़ेगा तो उसके बाद रजिस्ट्री नहीं होगी। ये अगर आप प्रावधान ऐसा नहीं होगा तो जाकर आज करा देंगे। जो उस टाइम में जैसे वोटिंग का टाइम होता है तो 90 टोकन के बाद लगातार उनको रजिस्ट्री करनी होगी, वो चाहे उसके लिए 5 बज जाएँ, 6 बज जाएँ, 7 बज जाएँ, उसमें बीच में अगर एक बार कहीं रोक आ गई रजिस्ट्री करते समय कंप्यूटर में, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको बंद करेंगे। बहुत से विषय, हाँ बहुत से विषय, फूड एंड सप्लाई के बहुत से विषय चल रहे हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और जैसे ही उसमें दोषी पकड़े जाएंगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आटा घोटाला जिन अधिकारी ने पहले किया था जो उस समय के डीएफएसी थे, उन्होंने ही घोटाला किया, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। फूड एंड सप्लाई के बहुत से विषय चल रहे हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और जैसे ही उसमें दोषी पकड़े जाएंगे सबके खिलाफ जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।